हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल पुलिंग के बारे में, जिसे आयुर्वेद में गंडूश बोला जाता है। सभी को पता है कि ऑयल पुलिंग से हमारा ओरल हाइजीन अच्छा रहता है, साथ ही हमारे मसूड़े स्वस्थ रखते हैं, हमें डेंटिस्ट के ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते, हमारी सांसों की बदबू, अगर जिसको सांस में बदबू की बहुत समस्या है वो भी ठीक होती है। लेकिन जो आपको नहीं पता वो ये है कि इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जी हाँ, जैसे कि जिनको बार बार सर दर्द होता है उनके लिए ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा है, या फिर आपको रात में नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की शिकायत है, यहाँ तक कि हार्मोन बैलेंसिंग में भी ऑयल पुलिंग का रोल है, लीवर डिटॉक्स तक में ऑयल पुलिंग का रोल है। तो व्हाई आर वी वेटिंग, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से ऑयल पुलिंग नहीं करते तो आपको उसके फायदे नहीं मिलेंगे बल्कि नुकसान हो सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे बनाए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। गंडूश या ऑयल पुलिंग में आपको यूज करना है तिल का तेल। तिल का तेल आयुर्वेद में सर्वोत्तम माना है, लेकिन आपको सुबह सुबह खाली पेट ऑयल पुलिंग करना है, उठते ही ब्रश करने से पहले, ये चीज़ ध्यान रखें। और ऑयल पुलिंग करते वक्त आपका ऑयल अंदर नहीं जाना चाहिए, मुंह में ही रहना चाहिए। अब आपको कैसे करना है ये बता देते हैं। 5 से 10 ml के करीब तिल का तेल लें, उसको हल्का आपको गर्म करना है, बिल्कुल हल्का, और मुँह में भर लें और उसको स्विश करते रहें, ऑयल को पूरे मुँह में ऐसे चलाते रहें। मिनिमम 5 मिनट ज़रूर करें, वैसे तो 15 से 20 मिनट कहा जाता है, बट इतना आसान नहीं है, तो आप कम से कम 5 मिनट इसको ज़रूर करें, 5 से 10 मिनट का टाइम दें, और उसके बाद आप इसको थूक दें। उसके पीछे से अगर आपको मुंह का टेस्ट अजीब लग रहा है तो आप गुनगुने पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं। इसके 5 से 10 से या 15 मिनट बाद आप ब्रश करें। तो ये है तरीका ऑयल पुलिंग का, आज से ही करें, आप डेली कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।